यहाँ पे मैं आपको कुछ श्योर एंड डैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताऊंगी। ये को यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम आई है मेरे पास। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी सीजीएल प्रीलिम में 2000 में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको कैसे लिखते हैं। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। 16 माइनस 3 अपॉइंट 2 है, इसको सॉल्व करना है। 16 का आप लोग क्या लिख सकते हैं, पहले 16 की पावर 3 अपॉइंट 2 प्लस 1 अपॉइंट 16 की पावर 3 अपॉइंट 2, ये कैसे हो गया। देखिए अगर x की पावर माइनस m लिखा है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x की पावर m लिख सकते हैं। ये इस तरीके से लिखा मैंने, ठीक है। आप 16 को क्या कर सकते हैं, 16 का 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, इंटू 3.2 की पावर 3/2 1 अपॉन 16, इसको भी इस तरीके से लिखना है, 4 का स्क्वायर और 3/2। अब आपको एक चीज याद होगी कि मैंने बताया था अगर x की पावर m है कि पावर 1 अपॉन n है तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x की पावर m इंटू 1 अपॉन n, ठीक है। ये चीज यहाँ पे भी हमें अप्लाई करनी है, 4 की पावर 2 की पावर 3/2 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3/2 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया यार, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 4 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 3, ठीक है। 4 की पावर 3 क्या होता है, 64, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 प्लस 1 अपॉन 64, ठीक है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 464 इंटू 64 4096 प्लस 1 अपॉन 64, तो क्या हो गया, 4097 अपॉन 64 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ बेसिक रूल्स मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और कोशिश कर प्रैक्टिस कीजिए ज्यादातर। जब जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने ही रूल आपको क्लियर होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, 16 की पावर 3/4 को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एसएससी सीजीएल प्रीलिम में 2000 में एक बार आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको क्या लिखना है, पहले हमें 16 के फैक्टर करने हैं हमें, ठीक है। 16 के फैक्टर 2 की फॉर्म में करनी, देखिए 2 की पावर 4, यहाँ पे देखिए 16 के फैक्टर, मैं आपको पहले 2 में दिखाती हूँ। ये चीज हमें पता है लेकिन मैं आपको छोटी सी चीज क्लियर करने के लिए लिख रही हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 4 मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, और 3 की पावर 4, ये चीज क्लियर हो गई। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, x की पावर m की पावर अगर 1 अपॉन n है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x की पावर m इंटू 1 अपॉन n लिख सकते हैं ना। यहाँ पे भी हमें यही चीज लिखनी है, 2 की पावर 4 इंटू 3 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 3 इक्वल 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसको भी सॉल्व करना है, और ये एग्जाम्पल भी ऑलरेडी एसएससी सीजीएल प्रीलिम में 2000 में आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे लिखना है हमें। सबसे पहले इसको लिखने के लिए आप लिखिए 0.01024 अपॉन, ये हमने डेसिमल पॉइंट हटाया तो उसके नीचे 1 लिखा, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 लगा देते हैं हम लोग। यहाँ पे कितने डिजिट है, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हमने 0 लगा दिए, ठीक है, और 1 अपॉन 1 की इसकी पावर 1/5 हो गया। अब 1024 के हमें फैक्टर करने हैं, 1024 के फैक्टर, देखिए 1024 के फैक्टर, वैसे 1024 के फैक्टर 10 की पावर 2 की पावर 10 होते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ काउंट करिए 2 कितने टाइम आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 की पावर 10, ठीक है। अब 2 की पावर 10 को हम लोग अगर 2 की पावर 10 लिखा है तो उसके हम लोग 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। गुणा में घाते जुड़ जाती है, ऐसे कि अगर x की पावर सपोज a की पावर m x और a की पावर y है, कुछ भी है यहाँ पे सेम है कोई बात नहीं, तो a की पावर x प्लस y लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। यहाँ पे अगर a की पावर x इंटू a की पावर y दोनों के बेस सेम है तो पावर हमारे जुड़ जाती है। यहाँ पे दोनों के बेस क्या था, यहाँ पे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 था तो यहाँ पे 2 की पावर 10 लिखा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है, और 10 की पावर यहाँ पे कितने 0, 10 में 5, तो 10 की पावर यहाँ पे क्या हो गया, 5, ठीक है, ये 1/5 हो गया, इन पूरे इस पूरे की पावर 1/5 हो गया।
ये चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे ऑलरेडी, पहले इरेज करती हूँ ये सब चीजें। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी अगर एक्स की पावर एम है, ये बात मैं हर बार बता रही हूँ ताकि आपको चीज याद हो जाए, सॉरी एक्स की पावर एम है और एक्स की वन अपॉन एन है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एम इंटू वन अपॉन एन लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी ना, अगर टू की पावर फाइव इंटू वन अपॉन फाइव, ये वन अपॉन फाइव सबके संग होगा ना, वन अपॉन फाइव इंटू टू की पावर फाइव इंटू वन अपॉन फाइव अपॉन 10 की पावर 5 इंटू वन अपॉन फाइव, क्योंकि ये नीचे वाले फैक्टर में भी अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 5 5 कट गया, ये वाला 5 5 कट गया, ये वाला 5 5 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमें, 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 10, ठीक है। 2 की पावर 1 इंटू 2, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2, 2 की पावर 1 का मतलब 2 अपॉन 10, यानी कि मिला आपको 4 अपॉन 10, 4 अपॉन 10 से आप कैसे करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.4, ये आपका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से छोटे से जो बेसिक रूल मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें आपको दोबारा फिर से ये बात बोल रही हूँ, उनको याद मत कीजिए, क्वेश्चन आते जाइए, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ले रही हूँ शुरुआत में, आप इनकी प्रैक्टिस करते जाइए, आपको क्वेश्चन निकलना खुद शुरू हो जाएंगे, और जितने भी रूल्स है ना ये वाले रूल्स, ये आपको खुद समझ में आ जाएंगे कैसे करने हैं हमें, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल में क्या करना है, देखिए इस एग्जाम ये एग्जाम्पल ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2003 में आ चुका है। सबसे पहले इसको देखिए आप कैसे लिखना है, हमें ये हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस रूट थ्री प्लस थ्री प्लस एट, और अब यहाँ पे ये देखिए ये सेवन प्लस रूट फोर रूट थ्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सेवन फोर प्लस थ्री प्लस फोर को टू इंटू टू रूट थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब फोर को हम लोग क्या ले सकते हैं, टू का स्क्वायर, थ्री को हम लोग क्या ले सकते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू टू रूट थ्री। आपको यहाँ पे किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया आपको। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, सेवन प्लस फोर थ्री, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसकी जगह पे, टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर जो हमें मिला यहाँ पे, इसे इसको रख देंगे, सेवन प्लस फोर थ्री की वैल्यू क्या आई हमारे पास, टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आई। ये चीज के लिए इसको मैं ये इतने मैंने चार पांच स्टेप्स जो बताए यहाँ पे, ये आप यहाँ पे लेकर लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने साइड में आपको सॉल्व के सॉल्व कर लिया। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप माइनस का रूट थ्री प्लस नाइन प्लस सॉरी प्लस थ्री प्लस एट और रूट, अब ये देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके से टू प्लस कोई भी नंबर है इसका होल स्क्वायर लिखा है लगा है स्क्वायर रूट के अंदर किसी के भी नंबर डिजिट का होल स्क्वायर लगा, ये मैं कल आपको बता चुकी हूँ, तो उसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, अब इस ये पावर हटी तो क्या मिलेगा आपको, वन अपॉन टू, ठीक है, टू टू कैंसिल हो गया तो क्या मिला, टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, टू प्लस रूट थ्री। ये सब चीजें क्या बहुत ही बेसिक पॉइंट है, क्लियरली करती जा रही हूँ हर, ये बात कल भी मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, आज फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो चीजें जितनी बार रिपीट होंगी, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको सॉल्व हो जाएगा। अब इसे ओपन कर लीजिए, एट रूट थ्री, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए इसे पहले इरेज कीजिए, अब यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस एट रूट थ्री है, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिख ली, इसको मैं यूज कर रही हूँ, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए एक बार, इसको हम लोग रूट थ्री, थ्री को हम लोग रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, सिक्सटीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर का स्क्वायर, ठीक है, और एट को हम लोग टू इंटू फोर इंटू रूट थ्री लिख सकते हैं, ठीक है, टू इंटू फोर लिखा, रूट थ्री लिखा यहाँ पे, तो आपको ये क्या मिल गया, रूट थ्री प्लस फोर का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ये चीज मिल गई आपको। अब इस चीज को आप कहाँ, यहाँ पे इसको फिट कर दीजिए, माइनस रूट थ्री प्लस, यहाँ पे क्या मिला आपको, रूट थ्री प्लस फोर का स्क्वायर मिला, ठीक है। इसको आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, माइनस रूट थ्री प्लस, ये बाहर आ जाएगा ना स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, सिंपली लिख जाएगा, ये चीज मैंने आपको अभी क्लियर करी, रूट थ्री प्लस फोर बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कैसे हो जाएगा, माइनस का रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस फोर, माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो क्या मिला खाली रूट फोर, रूट फोर की वैल्यू क्या होती है टू, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया टू। इस तरीके से देखा, ये देखिए ये सब चीजें देखने में बहुत टिपिकल सी लग रही थी, लेकिन आपको अगर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला पता है, और ये जो मैंने सब डिवाइड इसे मैंने जो ये जो चीज मैंने करी इसको छोटे फैक्टर में कन्वर्ट कर, ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं इसमें कुछ ट्रिक लगी है, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर उसके अकॉर्डिंग जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई वो चीज खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपको क्या स्क्वायर रूट बनाना है, किस चीज का फॉर्मूला क्रिएट करना है, जो डिजिट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और मैं आपके लिए इस तरीके से वीडियो और बना सकूं। थैंक यू।